शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम के तहत कलेक्टर डोमन सिंह ने जिला मुख्यालय स्थित पंडित चक्रपाणी शुक्ल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर कक्षा 11वीं और 12वीं कॉमर्स के छात्रों को मूल्य वृद्धि और मूल्य ह्रास का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कॉमर्स की आधारभूत विषय के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने छात्रों को उदाहरण के माध्यम से मूल्य वृद्धि और मूल्यह्रास के संबंधों से अवगत कराया। कलेक्टर ने छात्रों से स्कूलों में पढ़ाई से संबंधित जानकारी भी हासिल की। 12वीं के उपस्थित छात्रों को आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने छात्रों से भी कैरियर और संबंधित विषय अंतर्गत सवाल पूछे, जिस पर छात्रों ने उत्तर दिए। इसी दरमियान 11वीं के छात्र चंचल यादव ने कलेक्टर से पूछा कि सर आप कॉमर्स लेके कैसे कलेक्टर बन गए, जिस पर कलेक्टर सिंह ने मुस्कुराते हुए चयनित होने की प्रक्रियाओं और परीक्षा संबंधित जानकारी समूचे कक्षा को दी। उसी तरह ग्राम लुटवा के छात्र जयशंकर मार्कंडे ने पूछा, सर आपका 10वीं और 12वीं में कितना प्रतिशत आया है, जिस कलेक्टर डोमन सिंह सहित पूरा कक्षा हंसी से गूंज उठा। कलेक्टर ने भी मुस्कुराते हुए छात्रों को जवाब दिए कि मैं प्रथम डिवीजन से पास हुआ हूं। कॉमर्स वाले बन सकते हैं, कोई भी आर्ट्स, कोई भी ग्रेजुएट लड़का, स्टूडेंट लड़की है ना, कोई भी हो, वो इसके लिए अलग से परीक्षा होता है, उसको बैठा क्या टीचमेंट नहीं लेगा, उसमें आप भरो। कोई भी ग्रेजुएट लड़का बीए, बीएससी, बीकॉम सब कोई उस परीक्षा में शामिल हो सकता है, इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट ऊपर नीचे नहीं। बलौदा बाजार से उजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।